आप लोगों ने वो करके दिखाया है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि सरकारी स्कूल इतना शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं या सरकारी स्कूलों में इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आ सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज मैं सुनने के लिए आया हूँ, आज मैं बोलने के लिए आया हूँ। Started asking me what is the difference between a private school and a government school. So, you know, I used to tell them we are 20 years behind. But now, today, I can very proudly say that we are at par and better. मुझे लग रहा है ये किसी भी देश के इतिहास में, मैं दिल्ली की बात भी करता हूँ, इंडिया में तो मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई चीफ मिनिस्टर ऐसे टीचर्स को सम्मानित कर रहे हैं। सर आपने हमें रेडी कर दिया, आपने अवार्ड सिस्टम पे चला दिया। मतलब पहले शिक्षा में अमीर लोग पढ़ते थे, मैं जाने में उसके बाद नीचे से लोग पैदा होता था। वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है वह नीचे से जनवादी शिक्षा पद्धति SMC के उसमें है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म गांधी की तरह आपने एक अम्ब्रेला में छाता में सारे स्टेक होल्डर को एक साथ जोड़ दिया, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, चाहे उसके पेरेंट्स हो, SMC के मेंबर्स हो, डिप्टी डायरेक्टर्स हो, प्रिंसिपल्स हो। शिक्षा विभाग, हमारे सीनियर ऑफिसर्स, शिक्षक, अभिभावक, बच्चे, उन्होंने इतनी मेहनत की है, आप लोगों की सपोर्ट रही, उनकी मेहनत कि आज दिल्ली सरकार के स्कूल किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। जो क्रांति हुई है सरकारी स्कूलों में, ये इसी वजह से हुई है कि पूरे समाज को साथ लेके चला गया। सबसे बड़ा योगदान इसमें टीचर्स ने किया, टीचर्स वही टीचर्स थे, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने आने के बाद टीचर्स को बदला, वही टीचर्स थे जो पहले होते थे, हमारे से पहले भी यही सारे टीचर्स थे, यही सारे हेड ऑफ स्कूल थे, यही सारे प्रिंसिपल्स हुआ करते थे। इन्हीं लोगों ने क्रांति करके दिखाई, इन्हीं सब लोगों ने क्रांति करके दिखाई, क्योंकि माहौल बदल गया, नीयत बदल गई, राजनीति की नीयत बदल गई, सरकार की नीयत बदल गई। सरकार ने ऐसा माहौल तैयार किया कि सब लोगों को लगा कि अब हो तो सकता है।